गुड मॉर्निंग, आप सभी को फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ, बाजार भी जाके वापस आ गई हूँ। अभी 8:15 बज रहा है, 7:45। और इतना सुबह सुबह उठ के ये रेडी होने का रीज़न है, आज मैं करीमगंज वापस जा रही हूँ, तो इसके लिए रेडी हो रही हूँ। रेडी होके बैठी हूँ, गाड़ी का वेट कर रही हूँ। और सामान तो ढेर सारा सामान है, आप सभी को दिखाती हूँ। घर के बाद अभी डायरेक्ट स्टेशन में वीडियो बना रही हूँ। अभी जस्ट पहुँची हूँ स्टेशन में, अभी 9:45 हो गया है और हम लोगों का ट्रेन 10 बजे है। देखते हैं टाइम पे आएंगे या नहीं, नेट में तो टाइम ही दिखा रहा है, तो फिलहाल तो वेट कर रही हूँ ट्रेन जल्दी से जल्दी आ जाए, वही सोच रही हूँ जल्दी जल्दी हम लोग ताकि रूम पहुँच जाए, तो फिलहाल वेट करते हूँ। ट्रेन आ गया है तो अभी मैं जल्दी जल्दी से इसमें उठूँगी फिर जाऊँगी। फाइनली अभी उधर पहुँचे, यहाँ ट्रेन छोड़ दिया है और यहाँ से करीबन और 10 मिनट या 10-15 लगता है। तो गर्मी वाली और बहुत गर्मी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी, मेरा शक्ल का हालत भी ख़राब हो गया है पूरा, तो बहुत थक गई हूँ, भूख भी लग रही है, गर्मी भी लग रही है। कब रूम पहुँचेंगी और नहाऊँगी वही सोच रही हूँ, लेकिन और 10 से 15 मिनट फिर घर पहुँच जाएंगे। हम लोग रूम पहुँच गए हैं, आवाज़ भी नहीं निकल रही है, इतना थक गई हूँ। रूम पहुँच गए हैं, अभी 1:30 बज रहा है। हम लोग गोंजुन से 8 बजे निकले थे सुबह का 8 बजे, और अभी 1:30 बजे जाके हमारा यहाँ करीमगंज का रूम में पहुँचे हैं। और मेरा बेचारा फूल कुछ कुछ तो बहुत सुंदर रहा है, कुछ कुछ बहुत मुरझा गया है, क्योंकि काफ़ी दिनों से पानी नहीं दिया, तो मैं दिखाती हूँ। बहुत सुंदर था, अभी पानी नहीं देखे पूरा लीव्स छोटा छोटा हो गया है, वरना ये हेल्दी होता था, लेकिन वैसे तो देखिए पूरा जर जर के इसका ये डाल निकला। ये छोटा हो गया, ये सुंदर हो गया, ये मरने वाला है, ये भी सुंदर हो गया, सुंदर 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 सुंदर। फिर इस साइड में भी सब सुंदर हो गया, ये तो पूरा खिल गया है, पूरा खिल के यहाँ ये। और मेरा ये मनी प्लान भी देखिए इतना बड़ा बड़ा हो गया है, इसका लीव्स और इसका देखिए सब साइड से निकल रहा है ये भी, क्योंकि मैंने जाने से पहले इसका थोड़ा इसके ऊपर मिट्टी डाला था, इसलिए ये पूरा खिल गया। मेरा ये पीस लिली का पेड़ भी जिंदा हो गया, इसमें मैंने मैरीगोल्ड का फ्लावर डाला था जिससे ये एक निकला है, तो ये सब फूल। फिर इस साइड में भी है जिसमें पूरा अभी डस्ट है, तो इसे साफ करूँगी धीरे धीरे। फिलहाल तो इन सभी का खाना दे देती हूँ, अच्छे से भर भर के पानी दे देती हूँ, बहुत बेचारा सूख गया है। बीवी नहीं होने से रूम का हालत कैसा होता है मैं उसका एग्जांपल दिखाती हूँ। आज मैं शायद से 20 दिन के बाद आई हूँ करीमगंज में, और हमारा रूम का हालत आप सभी को दिखाती हूँ, मेरा हस्बैंड क्या करके यहाँ रूम को रखा है और कैसे करके यहाँ रूम छोड़ के घर गए हैं। ये हमारा रूम देखिए, सामान का भंडार पूरा, ब्लैंकेट मैट्रेस सब, जब मेरे पेरेंट्स आए थे तब ये मैट्रेस ब्लैंकेट सब निकाला था, जैसे रखी गई थी वैसे ही सब। और यहाँ कपड़ा रखने का ये आलना का हालत नहीं है, मेरा मिशन टको भी नहीं छोड़ा। और यहाँ बिस्तर भी देखिए, एक फोल्ड किया, एक मैट्रेस फोल्ड किया, दूसरा वाला नहीं किया, तो यही बिना बीबी का रहने का हालत। तो इसे तो अभी तो फिलहाल नहा लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ, फिर खाना बना के खाऊंगी, उसके बाद जाके इस हमारे रूम का सफाई करूँगी, फिर क्लीन होने के बाद दिखाती हूँ। गुड इवनिंग आप सभी को, अभी फ़िलहाल मैं छत पे आई हूँ, खाना खा के जो एक नींद मारी मैंने, मतलब काफ़ी देर तक मैं सोई, थोड़ी देर पहले उठी हूँ, हस्बैंड तो आके ही नहा के खा के
ऑफिस चले गए थे दोपहर को, ऑफिस का काम से मतलब गए हुए हैं, अभी भी वापस नहीं आया। अभी पास पास के 10 मिनट बज रहे हैं, हस्बैंड को फ़ोन किया तो फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ छत पे आई हूँ मेरा मिर्ची का पेड़ देखने, जो आप सभी को अभी मैं दिखाती हूँ। कुछ कुछ पेड़ तो मर गया है, एक इंसेक्ट है सफ़ेद सफ़ेद वो पकड़ के पूरा मर गया है, जो दिखाती हूँ। देखिए ये वाला मिर्ची का पेड़ भी यहाँ डाल में, देखिए पूरा ये सफ़ेद सफ़ेद देख पा रहे हैं। देखिए ये सफ़ेद सफ़ेद होने के बाद ही मर जा रहा है, सब भी साइड में सब पक रहा है। यहाँ पे छोटा वाला मिर्ची जो मैंने लगाई थी, फिर मैंने काफ़ी सारा लगाई ये वाला एक, और देखिए मेरा टमाटर अभी भी बाकी है जो ख़त्म नहीं हुआ। देखिए ये पूरा पक गया है, और देखिए ये यहाँ पर भी मिर्ची का पेड़ है, ये मिर्ची का पेड़, ये मेरा बांदा ये भी लगाया हुआ है, ये भी मिर्ची का पेड़। तो काफ़ी सारा वही जिंदा हो गया, और कुछ कुछ तो ऐसे सफ़ेद सफ़ेद होके मर गया है, ये वाला के जैसे सफ़ेद सफ़ेद होके। यहाँ पे बहुत गर्म है, मतलब बहुत मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म है। समर जस्ट स्टार्ट ही हुआ है पूरा, ये जो 4-5 महीना कैसे जाएगा मेरा तो टेंशन हो गया है। मैट्रेस पे अभी जो मैं सोई तो ठीक है, लेकिन मैट्रेस पूरा गर्म लग रही थी कि मतलब धूप में दिया है ऐसा। ये वाला के नीचे में मेरा ननद का रूम है, और इस वाला रूम के नीचे में हम लोग का सिटिंग रूम है, और ये वाला पोर्शन में, ये वाला खाली पोर्शन में हमारा रूम है। तो इसलिए हमारा रूम सबसे गर्म है इन दोनों रूम में से, क्योंकि इसके ऊपर में 2 रूम है बोल के यहाँ पे थोड़ा इतना कम गर्म है सिटिंग रूम और ननद के रूम में, लेकिन हमारा रूम का हालत तो ख़राब। हमारा रूम गर्म मीन्स बहुत ज़्यादा गर्म है, पता नहीं ये समर कैसे कटेगा। अभी तो हम लोग सिटिंग रूम में सोएंगे, जब तक समर ख़त्म नहीं होता, जब सिर्फ बारिश देंगे तभी हम लोग हमारे रूम में सोएंगे। ऐसा नौबत आ गया है सोने का, क्योंकि रूम बहुत गर्म रहता है। आज आके इतना गर्मी फील हुआ मुझे, गंजू में गर्मी होने से भी इतना गर्म भी नहीं होता, फिर वहाँ पे सारा दिन भर हवा चलता रहता है तो इतना समझ में भी नहीं आता है। तो फ़िलहाल मैं थोड़ा वॉक कर लेती हूँ। हस्बैंड वापस आ गया है, अभी 5:30 बज रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया। मैं भूल गया था कि उसको आज हॉस्पिटल भी जाना है। दरअसल क्या हुआ कि कल रात को खाना खाने के टाइम हम लोगों का ही घर का बिल्ली मतलब खाने के लिए मतलब म्याऊं म्याऊं कर रही थी, तो मेरे सासू माँ ने उसको मतलब क्या बोलूँ दूर हटाने के लिए बिल्ली के ऊपर चिल्लाया, और बिल्ली हस्बैंड के ऊपर ऐसा जाम मारा, तो उसमें उसका थोड़ा स्क्रैच हो गया, स्किन में थोड़ा मतलब स्क्रैच हो गया, तो उसको जलन भी हो रहा था कल रात को। तो वहाँ पर ही टीटी मतलब इंजेक्शन लेंगे बोला, तो रात भी हो गया, काफ़ी डिनर का टाइम था तो काफ़ी लेट हो गया। तो बोला कि मतलब वही हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ आने के बाद यहाँ का रिवर्स सिविल हॉस्पिटल से ही टीटी लगवा लेते हैं। वो चीज़ तो मैं भूल ही गई। अभी हस्बैंड आया तो बोला कि हॉस्पिटल में लेट हुआ है, तब जाके मुझे याद आया। हस्बैंड वापस आ गया है इंजेक्शन लेके। हाँ लिया। कितना इंजेक्शन लेना है? 4 बार जाना पड़ेगा। 4 बार? आज कितना लिया? लेफ्ट में एक और राइट में एक। मतलब थोड़ा ही स्क्रैच हुआ, फिर भी मतलब वही डर लगता है, तो ले लेना सही है। तो डॉक्टर ने क्या बोला, लेना चाहिए? ले लो, टू बी ऑन सेफर साइड। हाँ इतना पेनफुल नहीं है, छोटा सा नीडल है, टीटी वाला शायद ज़्यादा पेनफुल। हाँ तो नेक्स्ट कब है? आफ्टर 3 डेज। और एक आफ्टर 7 डेज, और थोड़ा शायद आफ्टर 14 डेज। मतलब बिल्ली मतलब वो भी क्या बोलेगा, जानवर तो जानवर है, तो ऐसे ही डर के वो भी जाम मारा ना इंटेंशनली। पाप लगाए। हाँ इंटेंशन पाप लगाए, किसका पाप, बीबी को घर में रख के आने का पाप। ये बिल्ली भी इंटेंशनली तो नहीं किया है, ऐसे भी मैं इतना दिन थी घर पे कुछ नहीं हुआ, तो कल ऐसे ही मम्मी ने चिल्लाया तो वो डर गई, तो इसीलिए। फिर भी कोई नहीं, अभी इंजेक्शन ले रहा है। तो हस्बैंड बोला बहुत थक गया है, अभी देख रहा हूँ। नहीं खिलेगा, फिर भी उसको बैडमिंटन खेलना है। After 3 days, 7 days, 14 days वाला नहीं चाहिए, और एक after 28 days। तो क्या है, और 3 बाकी है? ओ और 3 बाकी है। आज 2 लिया? नहीं,
हर बार दो दो लेफ्ट राइट, मतलब तीन बार और जानना पड़ेगा। बाप रे, 17, 20, 24, 14 लास्ट वाला संडे को है, तो बोला नेक्स्ट डे को आओ 15 तारीख। तो हस्बैंड तो वही उसको वो क्या डाब नारियल का डाब पीना था, नारियल का पानी, लेकिन उसको नहीं मिला बोले, तो अभी ये ग्रेप्स ला के खा रहा है, उसका फेवरेट है फ्रूट्स खाना, तो ग्रेप्स खाएंगे। हाँ क्या ठीक है, इतना मीठा नहीं है, इतना मीठा नहीं है, अभी क्या करेंगे, क्योंकि नहाएगा, गर्मी है ना। सिर्फ उसको बैडमिंटन खेलने का टेंशन है, मुझे पहले ही बोल रहे हैं तुम रेडी रहो, बैडमिंटन खेलना है आकर ही। तो हम लोग थोड़ा खाते हैं, उसके बाद छत पे जाके मिलते हैं। हस्बैंड को वही बैडमिंटन खेलना है, तो हम लोग अभी ऊपर में आए हैं छत पे, तो अभी बैडमिंटन खेलेंगे। खेल लिया है पूरा 15-20 मिनट तक खेला है हम लोगों ने, है ना, 20 मिनट हो गया होगा, 15-20 मिनट। और ये जो टमाटर धो रहा है जो पहले का वीडियो में दिखाया है, और पूरा देखिए पसीना निकल गया है। तो अभी थोड़ा रेस्ट करके घर से जो सब्जी लाया वो निकालूंगी, आप सभी को दिखाऊंगी, फिर हमारा रूम ठीक करेंगे, पहले थोड़ा सा ठीक किया फिर तो सो गई, अभी पूरा ठीक करके बाद में आप सभी को दिखाऊंगी। आज तो हम लोगों ने काफ़ी सारा सब्जी लाया, कुछ कुछ तो उस दिन मामा के घर से लाया, फिर कुछ हमारे बागान से, कुछ आज बाज़ार में ख़रीदा, तो वो सब भी आज लाया है हम लोगों ने जमा करके, ये भी बाज़ार से। और तो ये हमारा रूम मैंने क्लीन कर लिया है, देखिए पहले कैसा था और अब ऐसा है, तो अभी बहुत आराम लग रहा है रूम को देख के, सेटिस्फेक्शन। और तो कपड़ा तो इतना सारा, पूरा एक बास्केट या लॉन्ड्री बास्केट फुल हो गया। पास में हमारा रूम के नीचे ही यहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है, शाम से यहाँ गाना वही वही चल रहा है, गाना ही गाना बज रहा है, पूरा कान पक गया है। और यहाँ थंडरिंग भी हो रहा है, थोड़ा लाइटनिंग भी हो रहा है, देखते हो अभी बारिश होगा या नहीं। खाना खाने से स्टार्टिंग किया तो यहाँ पर बारिश, तूफान जो आया, इतना ज़ोर ज़ोर से तूफान दिया, सारा धूल मिट्टी उड़ के हमारे रूम पे आ गया, बिस्तर में भी खाना आधा साधा खा के अच्छे से खाया भी नहीं, फिर तो खाना ख़त्म किया तो आके देखो बहुत ज़ोर ज़ोर से तूफान बारिश दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग हाफ लोग से बारिश लेके आए हैं। दरअसल क्या हुआ, खाना सब्जी सब बना के मैं थोड़े रूम थोड़ा और ऑर्गेनाइज किया, सिटिंग रूम, तब थोड़ा थोड़ा थंडरिंग देना शुरू हुआ। फिर मैंने नेट में सर्च किया वेदर रिपोर्ट, तो हमें ऐसा कुछ बारिश का था नहीं, लेकिन उसके बाद मैंने नहाया, नहाने के बाद खाना खाई, जस्ट स्टार्ट किया, थोड़ा सा ही खाई, देखा तूफान आ गया, फिर तो हल्का हल्का बारिश देने लग गया, तो हम लोग बोलने लगे कि अच्छा होगा और थोड़ा बारिश दे दे, लेकिन उसके बाद जो तूफान बारिश आया, पूरा बाहर का जितना भी धूल मिट्टी आ गया, प्लेट में भी गिर गया, फिर आधा खा के खाना ही नहीं खाया। और हमारे घर का पीछे अभी भी देखिए, आप लोग सुन पा रहे होंगे गाना अभी भी चल रहा है, लाइट भी नहीं है, लाइट भी जा चुका है, लेकिन नीचे का वाला जो प्रोग्राम चल रहा है वो अब तक बंद ही नहीं हुआ। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।